भी निकलने वाला है, शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा कहना चाहिए, जो कि यहाँ मतलब रेलवे फाटक से अपन बालोद से सदर होते हुए यहाँ स्वयंभू जी गणेश जी है। और मोर भाई रही से थे 4 साल पहले चले गए, तो मैं गणेश जी भाई बना हूँ, है ना। तो गणेश जी के मंदिर से ही अपन उधर आगे बढ़ते हुए पुराना बस स्टैंड और ओकर बाद में फिर शीतला मंदिर। शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का है, यहाँ नागपुर से शिव गर्जनक टीम आते हैं। अच्छा। हाँ, और छत्तीसगढ़ी क्या राउत नाचा वगैरह भी है। हाँ, बस्तरिया, हाँ बस्तरिया नृत्य भी है। हाँ हाँ जी, उनके माध्यम से शोभा यात्रा मिलेगी जी जी। और उसमें सुनाई है कि शोभा यात्रा नागपुर की जो टीम आ रही है जी, उसमें भी हमारे नारी शक्तियों का जो सहयोग है। हाँ, मैं उसीच के लिए वहाँ के टीम को। अच्छा। मेरे पति फौज में थे, है ना, जब हम अहमदनगर में थे वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो मैं देखी थी वहाँ जब गणेश चतुर्थी होता था तो बहुत ही भव्यतम, मतलब इतना लगता था। लेकिन मैं सोचती थी मैं किस में बुलाऊंगी वहाँ छोटा छोटा कार्यक्रम, अब मुझे क्या मालूम कि लेखा जोखा मेरे नसीब में आएगा ऐसे करके। तो फिर जब ऐसे मौका मिला तो बिल्कुल मैं उनसे उसमें YouTube में जाके उनका एड्रेस ढूंढी, नंबर ढूंढी। अच्छा। और उनको संपर्क की और आज मिल भी गया उन लोग का डेट, ऐसा ईश्वर की कृपा है। बस बस बस, बाबा की कृपा। और देख सकते हैं जिस प्रकार से नारी शक्ति के माध्यम से एक शोभा यात्रा होगा और नारी शक्ति के नेतृत्व में एक कार्यक्रम सफल होगा। तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे जो आयोजक है वो लोग जो है प्रदान कर रहे थे। आगे भी ऐसी तमाम जो जानकारी कथा शुरुआत होते तक आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।